सर आपसे एक जानकारी चाहिए सर, थोड़ा हमको शेयर कीजिए कि ये नरार का जो रोहित कुमार जो पकड़ाया गया है फर्जी IRS अधिकारी के, उसके बारे में डिटेल चाहिए सर आपसे। ये नरार गांव का रहने वाला एक रोहित सिंह नाम का लड़का था जी, जो जो 2017 बैच के रोहित सिंह IRS के रूप में जो अभी नागपुर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका जब रिजल्ट आया UPSC से, तभी से वो उनके नाम का उपयोग करते हुए अपने आप को IRS ऑफिसर बताकर घूम रहा था। और कई राज्य में बहुत से ब्यूरोक्रेट्स से, राजनीतिक बड़े नेताओं से मिलता था और अपने को IRS अधिकारी रोहित सिंह के रूप में बताकर कुछ लाभ लेता था, और लाभ लेने के बाद वो अब उस तरह का आचरण करता था। उसी क्रम में नरार गांव का था, 20 से 25 दिन पूर्व मधुबनी जिला में आया, यहाँ भी उच्च अधिकारियों से और हम लोग से भी मिला, और कुछ उसके जो काम थे जेन्युइन काम जिसके लिए अंचल स्तर से नापी वगैरह की जरूरत थी, तो नापी भी उसके घर पर हुई और वो आता रहता था। उसी क्रम में BPSC की परीक्षा चल रही थी, 1 जुलाई को मेरे आवास पर मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया, मैं उसको उससे मिला। उसी क्रम में बताया कि वो दिल्ली जाने वाला है और कुछ काम के लिए आया था, मैं उसको कहा ठीक है जो काम रहेगा आपका नियम संगत कर दिया जाएगा। उसी में उसके उसी क्रम में मेरे एक दोस्त हैं जो रेलवे में उच्च अधिकारी हैं, उनका फ़ोन आया। कहाँ से? मधुबनी में है सर कि बाहर? नहीं, बाहर हैं, मुगलसराय में पोस्टेड हैं, इंडियन रेलवे सर्विस के अधिकारी हैं। तो मैं उनसे बात किया और इस आदमी के बारे में आज तक बताया कि एक मधुबनी ज़िले का IRS ऑफिसर हैं, मेरे सामने बैठे हैं और आप उनसे बात कर दिया जाए। तो जब उनका मैं नाम लिया तो वो फ़ोन डिसकनेक्ट कर दिया कि आवाज़ नहीं आ रही है, और मेरे आवाज़ से तुरंत अपने सिस्टर के बीमारी का हवाला देते हुए तुरंत मेरे आवाज़ से बाहर चला गया। उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे पूरी जानकारी मुझे बताई कि ये फर्जी नाम का IRS है, उसका फोटोग्राफ मैंने भेजा उनको, तो उन्होंने फिर कई ब्यूरोक्रेट्स बिहार के रहने वाले हैं जो बाहर में पोस्टेड हैं, वो मुझे फ़ोन किए कि इस तस्वीर का जो आदमी है गलत रोहित सिंह बन के घूम रहा है। फिर रोहित सिंह जो ओरिजिनल अभी नागपुर में एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनका भी मेरे पास फ़ोन आया। उसके बाद मैं इनको रोहित सिंह जो फर्जी IRS बन के घूम रहा था, इसको मैं SHO कलवाही को बोला कि इनको DSP मिलना चाहती हैं उनसे थाना पर आ जाए, क्योंकि DSP से वो मिलना चाहता था, DSP से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो हम लोग उसको गुमराह करके थाना पर बुलाए और उस थाना पर यहाँ से निकला था, थाना पर DSP के मिलने के बहाने पहुँचा, और जो ही पहुँचा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैं और DSP वहाँ पहुँचे और ओरिजिनल रोहित सिंह से और नागपुर एकेडमी के जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं बोलकर जी, उनसे उनकी मैंने बात कराई और सच्चाई सबके सामने आई कि ये फर्जी मन के घूम रहा था। उसके बाद उस पर उन्होंने स्वीकार कर लिया। हाँ, उन्होंने स्वीकार किया, फिर हम लोग से क्षमा याचना की मांग करने लगे, लेकिन जो नियम संगत है, उन्होंने धोखाधड़ी की, गलत ऑफिसर बन के कर रहे थे, बहुत सी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, तो उन पर केस दर्ज हो गया है और केस होने के बाद जेल में भी, मधुबनी जेल में। आपसे पहले मुलाकात कब हुई थी सर? आज से 20 से 25 दिन पूर्व जब मधुबनी वो आए थे, सभी अधिकारियों से मिले थे, उसी क्रम में मेरे ऑफिस में भी वो आए मिले। सर, इस मामले में इसको जो भेजा गया है, जेल भेजा गया है, तो जो दफा लगा होगा इसमें इनको सज़ा हो सकती है? हाँ, सज़ा होगी बिल्कुल। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, उनके मोबाइल जो जब्त किया गया है उसमें बहुत से क्लू और मिल रहे हैं, तो उसको सज़ा होगी। धोखाधड़ी का केस दर्ज है, बिल्कुल उसमें कोर्ट से उनको सज़ा होने की संभावना है। थैंक यू।